बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद माहिरा शर्मा को मिली बड़ी कामयाबी, पीछे रह गई रश्मि देसाई। बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद माहिरा शर्मा पारस छाबड़ा से रिश्ते के अलावा फिनाले में पहनी अपनी ड्रेस की वजह से चर्चा में थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बॉस के फिनाले में माहिरा ने जो ड्रेस पहनी थी वो आलिया भट्ट की आईफा में पहनी ड्रेस की तरह ही थी। इस बीच माहिरा शर्मा एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह उनको स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस का अवार्ड मिलना है। मुंबई में हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 हुआ। इस अवार्ड में बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत ही हस्तियां पहुंची। ये अवार्ड इस वजह से भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसमें बिग बॉस 13 में हिस्सा ले चुके प्रतियोगी भी इसमें पहुंचे। इस अवार्ड फंक्शन में माहिरा शर्मा को फैशनेबल कंटेस्टेंट का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 मिला। इस मौके पर माहिरा ने गोल्डन कलर की गाउन पहनी हुई थी जिसमें वे खूबसूरत लग रही थी। माहिरा को ये अवार्ड उनके स्टाइलिश लुक की वजह से मिला है जो बिग बॉस 13 में दर्शकों को देखने को मिला। माहिरा की अवार्ड वाली एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वे शील्ड को पकड़े दिखी, हालांकि उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया। इस फेस्टिवल में माहिरा शर्मा के अलावा रश्मि देसाई, शेफाली बगा, हिंदुस्तानी भाऊ भी पहुंचे थे। इसके अलावा मलाइका अरोड़ा, दिया मिर्जा, मनीष पॉल, बोमन ईरानी भी नजर आए। बिग बॉस फिनाले के बाद माहिरा ने अपने पारस के साथ रिश्ते पर बयान की वजह से चर्चा में थी। टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में माहिरा ने ये बातें कही थी। माहिरा ने पारस और अपने रिश्ते पर बात करते हुए कहा, पारस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वे हमेशा एक दोस्त ही रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वे इस समय एक शो मुझसे शादी करोगे कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त की शादी में जरूर नाचूंगी। हालांकि घर में हमारी बॉन्डिंग को देखने के बाद लोग सोच रहे थे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा सिर्फ दोस्त है।